नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। पॉलिटेक्निक की होने वाली इवेंट सेमेस्टर की परीक्षा जो कि 28 जून से होना प्रस्तावित थी, 28 जून से शुरू हो रही पॉलिटेक्निक की सम सेमेस्टर की जो परीक्षा है वो एक बार फिर से निरस्त हो चुकी है। हालांकि BTUP की तरफ से परीक्षा निरस्त होने को लेकर कोई अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं जिनको देखकर यही लगता है कि BTUP की 28 जून से शुरू होने वाली परीक्षा एक और बार निरस्त हो चुकी है और अभी छात्रों को नई तिथि का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आखिर वे कौन से कारण हैं जिससे आपकी परीक्षा निरस्त हो सकती है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी अपडेट देने वाला हूं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो आप सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, यदि BTUP की जो परीक्षा है वो 28 जून से होना प्रस्तावित होती, मान लीजिए कि 28 जून से आपकी परीक्षा शुरू हो रही है, तो इसके लिए परीक्षा जो कार्यक्रम है वो 15 से 20 दिन पहले ही आ जाता। आज 18 जून की तारीख है और पेपर कब से स्टार्ट हैं आपके? 28 जून से, यानी कि आज को छोड़ दें तो टोटल 10 दिनों का समय बचा है। यदि BTUP 28 जून से परीक्षा कराता भी है तो BTUP को 10 दिन में छात्रों का वेरिफिकेशन करना है, वेरिफिकेशन करने के बाद एडमिट कार्ड जारी करना है, और इससे भी बड़ी बात कि अभी तक आपके परीक्षा के लिए कोई फाइनल शेड्यूल नहीं आया है। इतना परीक्षा में डिले होने के बावजूद आपकी जो परीक्षा है वो समय पर नहीं कराई जा रही है, और यदि आपकी परीक्षा 28 जून से होना होती तो आपका जो परीक्षा का कार्यक्रम है वो पहले ही आ जाता। तो अभी तक आपके परीक्षा का जो कार्यक्रम है वो BTUP की तरफ से जारी नहीं किया गया है, तो यही लगता है कि आपकी जो परीक्षा है वो 28 जून से नहीं होने वाली है। और ऐसा जावेद मुस्तफ़ा सर की भी तरफ से अपडेट आया था जिसमें आपने देखा ही होगा, उन्होंने बताया था कि पॉलिटेक्निक सम सेमेस्टर की जो परीक्षा की तिथि है वो पहले 28 जून तो घोषित हो गई थी, लेकिन अभी तक BTUP की तरफ से परीक्षा के लिए कोई कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है। इससे यही लगता है कि बच्चों को तैयारी करने का और मौका दिया जाएगा और आपकी जो परीक्षा है वो एक बार फिर से स्थगित होने वाली है। हालांकि जावेद मुस्तफ़ा सर ने कल ये भी बताया था कि कल शाम तक क्लियर हो जाएगा कि परीक्षा स्थगित होगी या फिर नहीं, और समय जो है शाम का बीत चुका है। तो ऐसे में BTUP की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है आपके एग्ज़ाम शेड्यूल को लेकर, तो आपकी जो परीक्षा है वो 99% जो है वो एक बार फिर से स्थगित हो गई हैं। यदि परीक्षाएं 28 जून से होना स्टार्ट होती तो कल शाम तक आपका जो परीक्षा कार्यक्रम है वो आपको देखने को मिल जाता। तो BTUP के द्वारा इतना डिले किया जा रहा है तो ये समझ लीजिए कि 28 जून से परीक्षा इस बार भी नहीं होने वाली है। आपकी जो परीक्षा है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में हो सकती हैं। बाकी BTUP की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट आता है या फिर जावेद मुस्तफ़ा सर की तरफ से कोई जानकारी आती है आपके एग्ज़ाम को लेकर, तो हर एक अपडेट पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा लें ताकि आगे आने वाली हर एक जो वीडियो है उसकी प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें। एक बार फिर से सुन लें, 28 जून से आपकी परीक्षाएँ नहीं होने वाली हैं। मैंने कारण आपको पहले ही बता दिया है, कारण ये है कि यदि 28 जून से परीक्षाएं होती तो आपका परीक्षा कार्यक्रम कल शाम तक BTUP की तरफ से जारी हो गया होता। बाकी कोई भी अपडेट आती है तो हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर दिया जाता है, तो टेलीग्राम वगैरह ज़रूर ज्वाइन कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।